देखते हैं इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे। शायान के ये सारे फॉलोअर्स यहाँ पे। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस सुबह के 10:30 हुए हैं और हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, शायान बिल्कुल रेडी है एक और नए सेशन के लिए। अब शायान थोड़ा सा एनर्जी रीस्टोर कर रहे हैं दूसरे सेशन के लिए। 1:30 हो चुका है और 2:30 में रिपोर्ट करना है शायान को दूसरे सेशन के लिए। शायान का तो आज भड़ता बनने वाला है, 3-3 सेशन है आज। क्या हाल हुआ, अभी पहले सेशन में ही हालत खराब थी। जबरदस्त धूप है आज। रात में शायान को जिस रेस्टोरेंट से वापस आना पड़ा था, आज फिर उसी रेस्टोरेंट में लंच के लिए जा रहे हैं। पसंदीदा वेज पुलाव आ चुकी है, चाट मंगवाया है। अब पूछते हैं शायान से, कुछ नया डिश ट्राई करना था तो। दो बजकर 15 मिनट हुए और शायान एक बार फिर से निकल पड़े हैं। शायान निकल पड़े हैं घर की ओर। शानदार सेशन का खात्मा हुआ है। 9 बज चुके हैं रात के। आज 3 सेशन हुआ शायान का, मॉर्निंग 11 से लेकर के रात के 9 बजे तक। जबरदस्त मजा आ गया आज तो। काफी टायर्ड फील कर रहे हैं शायान। डिनर के बाद रेस्ट, ठीक है। क्या खाना है आज पता नहीं, अभी देखते हैं। अच्छा, वहां जाके डिसाइड करोगे। चलो, आज हम ट्राई करने वाले हैं कैश्यू बटर मसाला, बट बहुत स्पाइसी है। इससे मैं भागता था, वही पल्ले पड़ गया यार। पहली बार डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, सिर्फ काजू भरा हुआ है बट इतना स्पाइसी है, खाया नहीं जा रहा है। बस हो गया यार, अब तो मैं नहीं खाऊंगा। शायान के लिए बिल्कुल रेडी है मैंगो लस्सी विद मलाई। क्या बात है, आज तो 3 सेशन हो गया ना, तो आज ज़्यादा टायर्ड हो गया शायान। इस टाइम तो गाइस मुंह और पेट दोनों जलाने के बाद टेस्ट करके बताइए शायान जमाल साहब। इष्टपटो नल्ला, वेरी नाइस यार, रियली नाइस। मुंह भी जल गया और पेट भी, इतना स्पाइसी था। एनीवे उसको ओवरकम किया हमने मैंगो शेक विद मलाई, मैंगो लस्सी विद मलाई। और अब घर की ओर जा रहे हैं। आज का दिन वन ऑफ द बेस्ट हमारे क्रिकेट ये जो जर्नी है उसमें, क्योंकि आज हमने लाइव इंडियन प्लेयर्स को लाइक सरफराज खान, मुशीर खान को उनके पिताजी के साथ और उनके भाई के साथ, मोइन भाई के साथ लाइव प्रैक्टिस करते हुए देखा। शायान ने बहुत कुछ सीखा, तो बहुत मज़ा आया कुल मिला के। शायान को आज एक बार फिर से राइस पुलाव खाना है, क्योंकि बहुत ही लाइट होता है और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है खाने के बाद। तो गाइस आज शायान ने ऑर्डर किए हैं पनीर राइस पुलाव और दही आलू पूरी, ठीक है। आज थोड़ा डिफरेंट डिश है शायान के लिए, हालांकि जल्दी जल्दी फिनिश करके जाना होगा क्योंकि टाइम हो रहा है अब ग्राउंड पहुंचने का। शायान से पहले रिव्यू लेते हैं, कैसा लगा शायान? चाट पूड़ी तो खाओ पूरा, तभी तो पता चलेगा कैसा। ये लो ये लो ये लो ये लो। कैसा टेस्ट है? अच्छा स्वाद है। फास्ट शायान, फास्ट यार। 2:45 हमें पहुंचना है और ऑलमोस्ट 2:20 हो चुका है। आज हमने चूज किया है कढ़ाई पनीर और
बटर नान और तंदूरी रोटी। तो शायान ने पहले खाना शुरू किया है बटर नान विथ कढ़ाई पनीर। हम लोग अभी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, चला जाए शायान। सुबह के 9 बजे हैं, धूप बिल्कुल खिल चुकी है, हालांकि मौसम बिल्कुल बदलने लगा है। आज हम लोग निकल रहे हैं दिलीप ट्रॉफी का मैच देखने के लिए। शायान के लिए एक बार फिर से मिनी टॉय आ गया है। टॉय कार में एक बार फिर से निकल गए हैं घूमने के लिए। आज हमारा डेस्टिनेशन है चिन्नास्वामी स्टेडियम, जहाँ पे कि दिलीप ट्रॉफी का मैच खेला जाना है। आज 9:30 से स्टार्ट होगा। शायान बहुत एक्साइटेड है, ऋषभ पंत खेल रहे हैं, सरफराज खान खेल रहे हैं, मुशीर खान खेल रहे हैं और कौन कौन है शायान? शुभमन गिल है, बहुत सारे के सारे स्टार्स खेल रहे हैं, तो मजा आने वाला है। किसकी बैटिंग पहले आने वाली है, इंडिया ए की और बी की? कौन है उसमें? सरफराज खान, मुशीर खान और सूर्य कुमार भी शायद, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार सब इंडिया बी में है। तो शायान की ये ख्वाहिश है कि पहले इंडिया बी की बैटिंग आए, अब देखते हैं। हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती इंसान की जिंदगी में, अब देखते हैं ये ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं। शायान की टॉय कार की सवारी हो गई है मुकम्मल। शायान पहुंच गए हैं, मैच का आनंद लेने के लिए, और इतनी तेजी में भाग रहे हैं मुझे पीछे ही छोड़ दिया बिल्कुल। गाइस चलो तो मैं आपको दिलीप ट्रॉफी का मैच दिखाता हूँ। आज बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे सरफराज खान, मुशीर खान, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, तो मैं तो इन सबको सपोर्ट करने वाला हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल, सारा होना सारा। मैच शुरू हो चुका है और शायान के मन के मुताबिक इंडिया बी की बैटिंग है ना। काफी लोग हैं, प्यारा सा स्टेडियम। यशस्वी इस वक्त स्ट्राइक पे हैं, अंपायर का इशारा हो गया है प्ले, और बॉलर भागना शुरू किया पहली गेंद लेकर, और ये बैक फुट पंच, और वहां पे मिसफील्ड भी हो गई है, सीमा रेखा की ओर जा रही है, और ये पहली बाउंड्री मिल गई है यशस्वी को। हालांकि ये मिसफील्ड के चलते एफर्ट अच्छा नहीं था फील्डर का। दूसरी ओवर छोर बदल गई है अब, और इसको खेल दिया है, और ये हाथों से रन छुड़ा लिया, अच्छी रनिंग। बहुत ही सुनहरा अवसर, पहली बार मैं यशस्वी को लाइव देख रहा हूँ। ये सुंदर नजारा है, बहुत ही शानदार एटमॉस्फेयर, बेहतरीन मौसम, आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और शानदार मैच का लुत्फ उठा रहे हैं शायान। प्रसिद्ध कृष्णा, वेव कर रहे हैं अभिमन्यु वर्सेस आकाश, काफी अच्छी गेंद, पिछली गेंद पे भी बाल बाल बचे थे, दो अच्छी गेंदें डाली हैं पिछली लगातार आकाश ने अभिमन्यु के लिए। आवेश एक बार फिर से, यशस्वी बिल्कुल तैयार, और इसको खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद हैं। एक और रन जुड़ गया है यशस्वी के खाते में, पहली विकेट का पतन हो गया है। अभिमन्यु ईश्वरन के रूप में शानदार कैच लिया था विकेट कीपर ने, थुरुव जुरेल ने, और अब
कौन आ रहे हैं अंदर? मुशीर, मुशीर खान की, मुशीर खान की एंट्री हो गई है मैदान के बीचों बीच। मुशीर खान आ गए पहली विकेट के पतन के बाद। कल ही मुलाकात हुई थी शायान की मुशीर खान से और आज लाइव देखने वाले कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत एक्साइटेड था उनकी बैटिंग लाइव देखने के लिए, प्रैक्टिस में तो देखी थी लेकिन अब। गार्ड्स ले रहे हैं मुशीर मैदान के बीचों बीच। काफी अच्छी तैयारी की है, हालांकि आज देखना होगा किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अभिमन्यु अगली गेंद लेकर, पहली गेंद मुशीर के लिए और ये स्लिप की दिशा में गई है बॉल। अच्छी गेंद थी, शुरुआत में थोड़ी सी धड़कनें तेज रहती हैं और एक अच्छी गेंद पड़ी थी। एक बार फिर से बॉलर मुशीर बिल्कुल तैयार और इसको खेल दिया है ऑफ साइड पे। अच्छा मिडिल किया इस बॉल को। आवेश यशस्वी के लिए अगली गेंद और ये बहुत ही उम्दा गेंद। केएल राहुल को सपोर्ट कर रहे हैं शायान पोस्टर लेकर। सभी फैंस अपने अपने पोस्टर लहरा रहे हैं। योर गुड नेम? तोशन। शीर एक बार फिर से तैयार और ये ऑन साइड पे खेले। शायान के बहुत सारे फैन यहाँ पे, हम इनको देखते हैं इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे। से थैंक यू शायान के ये सारे फॉलोअर्स यहाँ पर मौजूद हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम। चीयर्स गाइस, किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम इंडिया ए को, इंडिया ए पार्टिकुलर को क्लियर, शुभमन गिल टीम, शुभमन गिल टीम को। ओके, शायान का सरफराज और मुशीर के साथ कल पूरा टाइम बिताया है तो आज तो पूरा उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया भी, इंडिया भी। ओके, बेस्ट विशेस। एक बार फिर से बॉलर मुशीर बिल्कुल तैयार और इसको छोड़ दिया, लीव किया अच्छी तरीके से। धड़कनें तेज होंगी अभी बिकॉज अभी तक खाता नहीं खुला है। काशदीप एक बार फिर से सामने मुशीर और ये इसको फ्लिक किया है, बाउंड्री पे फील्ड की गई बॉल, छोर बदल गया है, खाता खुल गया है मुशीर का। केएल राहुल के बहुत सारे फैंस हैं। आवेश वर्सेस मुशीर और इसको फ्लिक कर दिया है और फील्डर मौजूद है। मुझे ऐसा लगा कि पहला चौका आ गया है मुशीर के लिए लेकिन यहाँ पे फील्डर तैनात। यशस्वी बिल्कुल तैयार है एक बार फिर से और इसको बहुत ही उम्दा तरीके से खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, एक और रन का इजाफा। आवेश एक बार फिर से सामना करेंगे मुशीर और ये अच्छी गेंद और ये बिल्कुल चोटिल हो गया ऐसा लगता है, काफी जोरदार बॉल लगी है, चोट लगी है मुशीर को, बहुत तेज गेंद थी और सीधा फिंगर पे और चेस्ट पे बॉल लगी थी। फिजियो आ गए अंदर, थोड़ा सा उपचार, काफी दिलेर खिलाड़ी है वैसे। गेंद सामने तैयार यशस्वी और इसको खेल दिए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर यशस्वी के बल्ले से, एक और चौका। आवेश एक बार फिर से सामने जयसवाल और इसको खेल दिया है हल्के हाथों से और हाथों से रन चुरा लिया, अच्छी रनिंग। अगली गेंद एक बार फिर से सामने और काफी उछाल भरी गेंद थी, टो पे बिल्कुल खड़े हो गए थे मुशीर इस बॉल को अपने पल्ले के नीचे लेने के लिए। खलील अहमद की अगली गेंद
सामने जायसवाल और ये ऑन द शॉट सीमा रेखा के पास शानदार चौका यशस्वी के बल्ले से और ये दूसरी विकेट का पतन हो गया है। गली की दिशा में खेलना चाहते थे, शानदार कैच लपका वहां पे, कट करने गए थे यशस्वी, आउट होकर पैवेलियन की ओर जा रहे हैं। आप बड़े स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से आउट हुए, शानदार कैच लिया। सरफराज खान की एंट्री हो गई है जिसका था इंतजार। सरफराज खान आ गए हैं अब मैदान के बीचों बीच, मुशीर और सरफराज। क्या बात है, शायान का इंतजार बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब मैदान के बीचों बीच सरफराज खान भी आ गए हैं मुशीर खान को ज्वाइन करने के लिए। गार्ड्स ले रहे हैं सरफराज। अब खलील अहमद बिल्कुल तैयार, चार्ज्ड अप हो गए हैं। यशस्वी का विकेट अभी अभी पिछली ही गेंद पे लिया था, पहली गेंद सरफराज के लिए और इसको खेल दिया है गली की दिशा में, रन की गुंजाइश नहीं। खलील अहमद एक बार फिर से सामना करेंगे सरफराज और इसको खेला है कवर्स के ऊपर और हाथों से रन चुड़ा लिया, खाता खोल लिया है सरफराज ने अपना और मिस फील्ड हो गई वहां पे, ओवर थ्रो का एक और रन। खलील अहमद की अगली गेंद सरफराज के लिए और ये शानदार बाउंड्री सरफराज के खाते में। मेरा प्रिडिक्शन बिल्कुल सही है, थोड़ी देर अगर रह गए तो गर्माहट आ जाएगी। शिवम दुबे आ गए अब और सामने आ गए मुशीर। जोरदार अपील हुई है, सारे के सारे खिलाड़ी बिल्कुल कन्विंस्ड। अंपायर ने नकार दिया है, सरफराज कुछ समझाने के लिए आ रहे हैं और इसको डीआरएस के लिए भेज दिया है। अब देखना होगा क्या निर्णय होता है, ऑन फील्ड अंपायर ने तो नकार दिया है, मुझे तो लग रहा है नॉट आउट है। शुभमन गिल कुछ बात कर रहे हैं अंपायर से और नॉट आउट दिया गया है। शिवम दुबे एक बार फिर से सामने मुशीर और इसको खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद, दो रन लेने में कामयाब। पॉपकॉर्न का आनंद ले रहे हैं और इधर सरफराज खान बिल्कुल तैयार हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए। आसमान में अभी भी काले काले बादल छाए हुए हैं, काफी आक्रामक फील्ड अभी भी लगाई हुई है, दो स्लेप, एक गली और एक एक्स्ट्रा कवर, कवर्स, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड ऑन, अगली गेंद सरफराज के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, आंखों आंखों में कुछ बातें चल रही हैं, हॉट टॉक। खलील का मुकाबला सरफराज से, सरफराज बिल्कुल तैयार और इसको हल्के हाथों से खेल के स्क्वायर लेग की दिशा में छोर बदल लिया। माहौल चल रहा है, काफी तादाद में लोग यहाँ पे देखने के लिए आए। खलील अहमद एक बार फिर से सामना करेंगे मुशीर, छोड़ दिया इसको बिल्कुल। टेस्ट की जो परिभाषा होती है उसी अंदाज में कोशिश कर रहे हैं, बल्लेबाजी की जरूरत नहीं है, 4 दिनों का मैच है, कोई भी रिस्क लेने की आंखें
हालांकि अब जम गई है और थोड़ी देर में अब लंच होने वाला है। शिवम दुबे एक बार फिर से भागना शुरू किया, सरफराज बिल्कुल तैयार है और इसको खेल दिया है, इसको अलग पे वहां पे डायरेक्ट हिट का चांस बन गया था। अच्छी रनिंग, डायरेक्ट हिट होता तो थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती। पहला सेशन खत्म हो चुका है, दोनों ही बल्लेबाज सरफराज और मुसीर नाबाद लौट रहे हैं। बहुत सारे फैंस हैं, काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पे केएल राहुल को खास तौर से सपोर्ट करने के लिए। अच्छा खाली वीडियो देखते हैं। अच्छा क्या नाम है आपका? नाम फिर से खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ। पहन के देखो शान, ऊपर पहन के देखो, पहनो पहनो, ऊपर से ही पहन लो। मैच से तो हम लोग निकल गए हैं, लेकिन अब देखते हैं, ऊबर हमने बुक कर दिया है, कितना टाइम लगता है। फटाफट ट्रेनिंग के लिए जाना है अब शायान को, यहाँ से लंच करके। अभी मैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर खड़ा हूँ, बहुत सारे शायान के फॉलोअर्स अंदर मिले। क्या नाम है आपका? अभी अभी फोर ईयर्स सबसे फॉलो कर रहे हैं, फोर ईयर्स है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। खेलते हो आप? क्या नाम है आपका? लोकेश। लोकेश और अभी मिले हैं हमें यहाँ पे। अभी हम लोग जाने वाले हैं क्योंकि शायान की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी थोड़ी देर में, तो फटाफट हम लोग निकलेंगे यहाँ से। थैंक यू गाइस, नाइस टू मीट। लंच के लिए निकल पड़े हैं क्योंकि थोड़ी ही देर में हमें शायान की प्रैक्टिस सेशंस के लिए निकलना है। लेकिन दुखद समाचार यह है कि जैसे ही हम लोग बाहर निकले, सरफराज खान सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए हैं। हालांकि मुशीर अभी डटे हुए हैं और मेरी ये दुआ है कि वो आज सेंचुरी मारे, देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। शायान आज एंजॉय करने वाले हैं मिक्स वेज पनीर मसाला और तंदूरी रोटी। शायान को एप्पल चाहिए था और एप्पल मिल गया है। आजकल भागम भाग में वक्त ही नहीं मिल रहा है, सुकून के 2 पल मिल जाएं वही बहुत हैं। दोपहर के 2:45 हुए हैं और अब हम लोग निकल पड़े हैं शायान के प्रैक्टिस सेशंस के लिए। मुशीर खान ने अकेले अपने दम पर अभी तक टीम को संभाला हुआ है और शानदार 50 मुकम्मल कर लिया। हालांकि 7 विकेटें गिर चुकी हैं। शायान की फर्स्ट सेशन ओवर हो चुकी है, शाम के 4 बज चुके हैं। शाम के 6:30 हो गए हैं और शायान एक बार फिर से अपने नाइट सेशंस के लिए निकल पड़े हैं। आज का जो दिन रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। मैंने जो दुआ मांगी थी वो कबूल हो गई, मुशीर खान ने शानदार सेंचुरी लगाई है, पूरी की पूरी टीम धराशायी हो गई थी, लेकिन अकेले ही उन्होंने पूरी पारी को संभाल दिया। आज शायान ने चूज़ किया है मलाई कोफ्ता, बटर नान और तंदूरी रोटी। डिनर भी हो गया और शॉपिंग भी हो गई। आज के
दिन की, आज के ब्लॉग की जो सबसे हाईलाइट है, सबसे ख़ास बात है, वो मशीर खान की सेंचुरी रही, जिन्होंने अपनी टीम की डूबती हुई नैया को पार लगाया। तो गाइस उम्मीद है आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।